अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। वेलकम टू फन विद अनाया। आज हमारे किचन में बन रहा है सेवइयां, कलरफुल सी सेवइयां। इसको पोटे वाली सेवइयां भी कहा जाता है। और ये मैं ग्रॉसरी शॉप पर गई तो ये मुझे नज़र आई, तो मैंने कहा चलें ये लेके ट्राई करते हैं ये कैसी बनती हैं। और 1 कप मैंने ये ले ली सेवइयां, और तकरीबन 1/2 लीटर मैंने इसमें दूध ऐड किया, और चीनी और ऑयल। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है, और उसमें ये कलरफुल सी सेवइयां मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है कि कितना है। और अब इसकी भुनाई करूँगी लाइट फ्लेम पर ही, ताकि ये ज़्यादा गोल्डन ना हो जाए। बस हमने इसको रोस्ट ही करना है, लाइट लाइट सा रोस्ट। ये देखें जी, इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन हो गया, तो मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया जो कि 1/2 लीटर मेरे पास था। इसमें मैंने 3 से 4 इलायची इस्तेमाल किया है, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और चीनी मैंने 1/4 कप इसमें ऐड किया है। ये इसके लिए इनफ थी। अगर आप मीठा ज़्यादा लेते हैं तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और इतनी थी अच्छी बनी थी कि जैसे खोया हमने ऐड किया हो। क्योंकि मैंने इसको बहुत स्लो फ्लेम पर कुक किया था, और बहुत मज़े की। ये देखें कुक होना शुरू हो रही हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसको लो फ्लेम पर कुक करेंगे, और ये हमें रेडी मिल जाएंगी। और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, और ये ब्रेन को भी बच्चों के तेज़ करती है, और हमारे स्किन के लिए भी अच्छी है, बालों के लिए भी अच्छी है। बहुत से इसके फ़ायदे हैं। हेल्दी फूड है, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें हैं वो सारी ही हेल्दी हैं। तो बच्चों को ज़रूर बना कर दें। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत मज़े से ये गल गई थी, 15 से 20 मिनट में ही रेडी हो गई। और जो मेरे पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल थे वो मैंने इसमें बारिश कर दी ड्राई फ्रूट की। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।